हेलो दोस्तों, तो आज जो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और यू कैन से ऑटोमेटा थ्योरी। अब जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है, इसके लेक्चर्स मैं ऑलरेडी इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसके लेक्चर्स। लेकिन अब हर एक सब्जेक्ट को, हर एक लेक्चर को आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू रिकॉर्ड इन हिंदी। तो जो ये लेक्चर है ये हमारे हिंदी में भी रिकॉर्ड होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करते हैं तो लेक्चर्स काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, या फिर काफ़ी बार आप उस लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर पाते। तो इस बार मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि अपने लेक्चर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ, या फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़नी बना सकूँ, तो उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, उतना ही ज़्यादा मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर ऑटोमेटा थ्योरी, इसको हम लोग कहते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इसको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बना सकूँ, कि आप अगर इस लेक्चर को पढ़ें तो आपका हर एक जो डाउट है, हर चीज़ बहुत थॉरली अच्छे से कवर हो जाए इस पूरी सीरीज़ के दौरान। आप किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम गेट हो, चाहे वो एग्ज़ाम UGC नेट हो, चाहे वो एग्ज़ाम DSSP हो, चाहे वो एग्ज़ाम ISRO, बार्क, DRDO, और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पर भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन एक एज ए सब्जेक्ट की तरह आता है, तो मैं उस हर एक एग्ज़ाम को अपने इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लूँगा। और साथ साथ मैं इस वीडियो लेक्चर्स को इस तरीके से भी कवर करने की कोशिश करूँगा कि जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस है, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आप जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को लिख रहे हैं तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इन लेक्चर्स को बनाऊंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन लेक्चर्स को मैं जितने अच्छे तरीके से कर सकूँ उतना ही अच्छा फ़ायदा आपको होगा। और ट्रस्ट मी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं इन लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकूँ। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सब्जेक्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इट इज थ्योरी THEORY ऑफ कंप्यूटेशन। देखिए, कई जगह पर मैं बहुत स्लो भी हो सकता हूँ और कई जगह पर मैं बहुत फनी भी हो सकता हूँ। अगर फनी नहीं भी हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, आई ट्राई टू बी मोर फनी। और मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं इसको जितना फनी और जितना एंटरटेनिंग बना सकूँ उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा और मुझे भी अच्छा है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम जो है वो है थ्योरी ऑफ कंपटीशन। अब देखिए, हमें पता है थ्योरी, थ्योरी क्या होती है, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, है ना। मतलब एग्ज़ाम से पहले हम लोग बोलते हैं कि सर अगर थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो हम ऐसे ही पास कर लेंगे और इस सब्जेक्ट को हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें इसके लिए ना तो कोई ट्यूशन लगाने की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, थ्योरी तो है सर। बट ट्रस्ट मी, अगर यहाँ पर हमने लिखा है थ्योरी ऑफ कंपटीशन, तो यहाँ पर जो थ्योरी है, जो थ्योरी पढ़ने वाला पोर्शन है, वो काफ़ी कम है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। जो ज़्यादातर पोर्शन आपको मिलेगा वो पोर्शन आपका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरह होगा। इवन तो हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, लेकिन उसके लिए एक एनालिटिकल थिंकिंग, एक एनालिटिकल नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो दूसरा नाम लिखा हुआ है वो है कंप्यूटेशन, यानी कि हम किसी ना किसी तरह की कंप्यूटेशन को तो करने वाले हैं, है ना। तो ऑब्वियसली अभी इस नाम से तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर किस तरह की कंप्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा अभी पढ़ने का, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास एक लैंग्वेज जो होती है उसका रफ आइडिया क्या होता है, लैंग्वेज का रफ आइडिया कि एक लैंग्वेज होती क्या है। अब इसमें हम जिस लैंग्वेजेस की बात करेंगे वो हमारी होंगी मैथमेटिकल लैंग्वेजेस, वो होगी हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इन लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग जो मशीन्स हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो मशीन्स जैसे कि हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जिसके अंदर हम अलग अलग फाइनाइट ऑटोमेटास को देखेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, मिले मशीन, मुरे मशीन, जितनी भी तरह की मशीन्स हैं हम उसको फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ही देखने वाले हैं। ठीक है, अब तुम्हारे लिए जो वर्ड है फाइनाइट ऑटोमेटा, ये समय पर इट विल बी लाइक एन एलियन वर्ड कि भाई सर ये आपने क्या बढ़ा दिया, ये क्या 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 बात कर रहे हो आप,
डोंट वरी, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में, कि पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है। उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन के बारे में। फिर उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के बारे में। उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस की कैटेगरीज के लिए, कि अलग अलग तरह की लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और रिकर्सिवली एनिमरेबल लैंग्वेजेस क्या होती है, रिकर्सिव लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हम इन सभी लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर्स के बारे में। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर डेडिकेट होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कंप्यूटेशन थ्योरीज, जैसे कि थ्योरीज हमारे पास हैं डिसाइडेबिलिटी थ्योरी, अनडिसाइडेबिलिटी, हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, मैं सबसे पहले एक रफ आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट है क्या, या फिर इसमें हम जो लैंग्वेजेस की बात करने वाले हैं वो है क्या, ठीक है। देखिए, इमेजिन कीजिए ये एक इंसान है। अब इंसान का नाम कुछ भी हो सकता है, लेट अस से इसका नाम है रामू, ओके रामू। तो रामू को अगर अपने मैसेजेस किसी और पर्सन के साथ डिस्कस करने हैं, जैसे कि इस पर्सन का नाम है लेट अस से ललिता, ललिता तो शी इज रामूस गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब रामू को अपने कुछ मैसेजेस अगर ललिता को कन्वे करने हैं, तो उसको वो मैसेजेस कन्वे करने के लिए किसी ना किसी तरह की लैंग्वेज की तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब वो लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज एक माध्यम है, एक मीडियम है, जिससे कि वो अपने मैसेजेस को वहाँ पर कन्वे कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ये लैंग्वेजेस बनी किस चीज़ से होती है। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, जैसे कि आपने एक लैंग्वेज पढ़ी इंग्लिश, ठीक है, तो इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डिस्कस किया कि इस लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी अप टू सो ऑन जेड, हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इस लैंग्वेजेस के अंदर इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम किन वर्ड्स को बना सकते हैं जिनका कुछ मीनिंग हो, जैसे कि हमारे पास टेबल, हमारे पास होती है चेयर, हमारे पास है कार, है ना, बिकॉज हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिए जिनको हमने इन वर्ड्स को असाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जिनका कोई भी मीनिंग ना हो, या फिर अगर मैं कुछ वर्ड बना दूँ एक्स वाई जेड, अब मैंने तीन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन कर दिया, लेकिन ये एक मीनिंगफुल वर्ड तो है ही नहीं, जो कि इस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कार, कार इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वो कुछ अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन कार का कुछ मीनिंग है। जो चेयर है, चेयर इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और उस कॉम्बिनेशन से हमने किसी चीज़ को तो चेयर का नाम असाइन कर दिया ना, तो असाइन करने से क्या हुआ, इसका एक मीनिंग बन गया, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम इन वर्ड्स को यूज़ करके हम बोलते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, ठीक है, और फिर इन सेंटेंसेस से हम बनाते हैं लैंग्वेजेस, इन सेंटेंसेस से हम बनाते हैं लैंग्वेज। अब देखिए, जब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में आप पिरोएंगे, यानी इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो उस कन्वर्जन के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है ग्रामर, ठीक है। देखिए गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी आसान भाषा में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा दूँ उतना अच्छा है। मैं सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ कर सकता हूँ, डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं ये शो कर सकता हूँ कि मुझे कितनी नॉलेज है जस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे कहने का, मेरे समझाने का मतलब इतना सा है कि जब मैं इसको पढ़ाऊँ, ठीक है, तो इसको पढ़ाने के दौरान आपको हर चीज़ इतने आसानी से समझ आ जाए, इतनी आसान लैंग्वेज से समझ आ जाए कि आपको कभी सी कोई दिक्कत ही ना हो, मतलब कभी समझ, मतलब परेशानी ना हो कि यार ये सब्जेक्ट था क्या। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में था, तो मुझे सब्जेक्ट इतना मुश्किल लगता था कि मतलब समझ में नहीं आया मुझे सब्जेक्ट, मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें होता क्या है, मैं क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो मुझे इसकी ए बी सी डी भी पता नहीं थी, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस कुछ सालों से जब मैंने इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया, तो उसके दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस से मैं इस सब्जेक्ट को इतने इजी तरीके से फॉर्मुलेट करना चाहता हूँ आपके लिए कि आपको
कभी ऐसा लगे ही ना कि आप कभी कॉलेज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको कभी ऐसा लगे ही ना कि आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको बस ऐसा लगे कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर मजाक कर रहे हैं। तो मैं मतलब इस सब्जेक्ट को ना इतने अच्छे तरीके से, इतना थॉरली कवर कर देना चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाए, और साथ साथ में आपको पढ़ते हुए कभी ऐसा फील ही ना हो कि हमने इसके अंदर इतनी मतलब इतनी मुश्किल चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। तो थोड़ा मजाक मजाक में थोड़ा जो माहौल है वो थोड़ा खुशनुमा हो जाए, और उस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको भी मज़ा आना चाहिए और मुझे भी मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी बहुत लंबी होगी, मजाक बहुत लंबा हो गया, बट चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी भाषा के अंदर, चाहे वो भाषा इंग्लिश है, चाहे वो भाषा हिंदी है, चाहे वो भाषा संस्कृत है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी भाषा है, तो उस भाषा के अंदर कुछ होते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं होते, अल्फ़ाबेट्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है जो उस लैंग्वेज के कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला ये है हमारे पास हिंदी का है, ठीक है, मैंने बोला ये है हमारे पास हिंदी का है, या फिर हिंदी का पे, या फिर गे, है ना। उसी तरीके से मैंने बोला ये इंग्लिश का ए, इंग्लिश का बी। अब हिंदी में ए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए, है ना, बी कैसे लिखेंगे, बी, इस तरीके से। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ एक सिंबल है, ज़रूरी नहीं है कि सिंबल को ऐसे ही किसी भी भाषा में कैसे भी रिप्रेजेंट करो। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, दे आर जस्ट सिंबल जो कि अलग अलग तरह की ध्वनि यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। अब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कुछ भी चीज़ें हैं, ये ऐसे सिंबल्स हैं जिसकी हेल्प से आप कुछ वर्ड्स को बना सके, ठीक है। तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज हुई, हिंदी हुई, पंजाबी हुई, उर्दू हुई, या तमिल हुई, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज है, उस हर एक लैंग्वेज में हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे हम उनके वर्ड्स को फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि हम कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकें, उनसे कुछ बोल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट, जो अगर हम लोग किसी भी लैंग्वेज को लिखते हैं, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी लैंग्वेज के, वो होते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, और फिर उन अल्फाबेट से हम लोग बनाते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो अब इस पूरी सब्जेक्ट के दौरान, मतलब ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, इसमें से हम पूरे सब्जेक्ट के दौरान हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है ग्रामर, कि ग्रामर होती क्या है, ठीक है, ग्रामर का उपयोग क्यों होता है, और ग्रामर को हम कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर मीनिंगफुल वर्ड्स कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से सेंटेंस वर्ड्स हैं जिनके अंदर कोई मीनिंग निकले, ठीक है। यानी कि हर एक वर्ड वर्ड हमारे पास मीनिंगफुल नहीं हो सकता। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं बोलता हूँ कैट, कैट इज़ ए मीनिंगफुल वर्ड। मैं बोलता हूँ बैट, बैट जो है एक मीनिंगफुल वर्ड है। मैं बोलता हूँ जैट, जैट मे नॉट बी ए मीनिंगफुल वर्ड, है ना, ऐसा कोई मतलब तो बनता नहीं है। उसी तरीके से मैंने बोला डैट, डैट इज़ नॉट ए मीनिंगफुल वर्ड, है ना। तो हर एक कॉम्बिनेशन अल्फाबेट्स का मीनिंगफुल नहीं हो सकता। किसी कॉम्बिनेशन का कुछ मतलब हो सकता है, जैसे कि फैट का एक मतलब है ना। किसी कॉम्बिनेशन का कुछ मीनिंग हो सकता है, किसी कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं हो सकता। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो कि वैलिड हैं, जो कि करेक्ट हैं, जैसे कि ये दो वर्ड हमारे पास वैलिड हैं, और कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो कि इनवैलिड है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऐसे कितने सेंटेंसेस या वर्ड्स हैं, इतने ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो वैलिड हैं, और ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो कि इनवैलिड हैं। अब इनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, इनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम बनाते हैं मशीन्स, कि भाई कौन से ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस हैं जो वैलिड हैं, और कौन से ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं जो वर्ड्स हैं वो हमारे इनवैलिड हैं। तो उनको चेक करने के लिए हम बनाते हैं मशीन्स। जैसे कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा एक मशीन है, फाइनाइट ऑटोमेटा एक मशीन है। उसी तरीके से ट्यूरिंग मशीन भी एक मशीन है, ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास है पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। अब ये जो मशीन है ना, इसको फिजिकली हम कहीं पर यूज़ नहीं करते। ये जो मशीन्स के जो डिज़ाइन हैं, दे ऑल आर मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये सब मैथमेटिकल है, टेम्प्रेरी है, ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, दे ऑल आर मैथमेटिकल मॉडल्स। लेकिन इन मैथमेटिकल मॉडल्स को हम स्टडी करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो रियल लाइफ मशीन्स हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है। जैसे कि रियल लाइफ मशीन में हमारे पास आते हैं कंप्यूटर्स।
अब जो हमारे पास कंप्यूटर है, जैसे कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या है और उस लिमिटेशंस को हम किस तरीके से पूरा आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हमारे मैथमेटिकल कंप्यूटर्स, या फिर इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन मशीन्स, जो हमारी जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन मशीन्स हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कुछ हम कंप्यूट कर सकते हैं, जो कंप्यूट नहीं कर सकते वो क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या रीज़न है कि कुछ चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती है दुनिया में जिसको आप कंप्यूट ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारी कंप्यूटेशन पावर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए इन वर्ड्स को चेक करने के लिए जो मशीन्स होती हैं, वो हम लोग आगे बेसिकली वो सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रामर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे वैलिड सेंटेंसेस हो सकते हैं, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी जो मशीन्स हैं, जो हमारी कंप्यूटेशन मशीन्स हैं, उसमें लिमिटेशंस क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे पास डिसाइड है, डिसाइडेबल है, जिनको हम डिसाइड कर सकते हैं, जो सॉल्व की जा सकती है, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं की जा सकती। और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेजेस क्या होती है, कैसी कितनी सेट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, कितनी तरह की लैंग्वेजेस को हम लोग बना सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से, इसी वजह से पूरे सब्जेक्ट का जो नाम है वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि इस कंप्यूटेशन के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो कंप्लीट थ्योरी होगी ये हमारी होगी मैथमेटिकल थ्योरी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थ्योरी, जो कि हम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के लिमिटेशन या उस कंप्यूटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो कुछ, थोड़ा सा कुछ आइडिया लगा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बट अगर नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं कुड़िए, है ना, कोई बात नहीं, हम लोग उसको अगले लेक्चर्स में ज़रूर कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर में बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि और तरीके से आपको समझ में आए। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर, थोड़ा समझ के, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।